संसद के दोनों सदन च पैदा रही डडरोली, दोनों सदन की कार्रवाई सारे दिन लिए स्थगित, सदन थमां 15 सांसद निलंबित। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने संसद की सुरक्षा चूक के मामले में किया जांच के हुक्म, लोकसभा सुरक्षा चूक की लिए 8 सुरक्षाकर्मी मुअत्तल। जम्मू प्रांत के पहाड़ी जिले च रियायती हेलीकाप्टर सेवा परतिए की जांग शुरू, डिविजनल कमिश्नर और तैयारियों का जायजा लेंदे हुए डिप्टी कमिश्नर की नोडल अफसर नियुक्त करने लिए आख्या। विकसित भारत संकल्प यात्रा जम्मू सूबे के सबने इलाके च पुजा रही है, यात्रा की लेकर लोगों में बड़ा मता उत्साह। नमस्कार, डोगरी खबरें दे बुलेटिन च तुंदा स्वागत है। ते हुण पेश ने खबरां विस्तार करने। सदन च मर्यादा दे खिलाफ आचरण करने गी लईए लोकसभा दे 14 ते राज्यसभा दे 1 सदस्य गी सिले चालार दे स्याले आले इजलास दे बाकी हिस्से दे लंबित करी दिता गया है। इंदे शा 9 सांसद कांग्रेस दे ते 2-2 सांसद डीएमकी ते सीपीएम पार्टी थमां ने, जिसले के 1 सांसद सीपीआई दा है। अज बड़ले पहली बारी स्थगित किते जाने दे मगरा जिसले दोपहरी 2 बजे सदन की कार्रवाई परतिए शुरू की, तो संसदीय मामले दे मंत्री प्रहलाद जोशी होरे इस बार एक प्रस्ताव पेश किया जिस सदन च मूंह जबानी पारित करी दिता। जोशी हुंदा आखना हा, इन्हें सदस्य अपने आचार व्यवहार करने सदन की कोई भी अहमियत नहीं दिती है। डेरेक ओब्रायन की उद्दे अभद्र व्यवहार लई संसद ने शीतकालीन सत्र के बचे दे समय तगर राज्यसभा थमां लंबित करी दिता गया है। सदन के स्थगन के बाद दोपहरी 12 बजे जेले सदन की बैठक शुरू हुई ते राज्यसभा के सभापति जगदीप धनखड़ होरे सदन से कदाचार ते आसद के निर्देश की अवेलना लई डेरेक ओब्रायन का नाम लिता। इस उपरांत राज्यसभा के सदन के नेता पीयूष गोयल होरे उन्हें सदन थमां निलंबित करने वास्ते एक प्रस्ताव पेश किया। प्रस्ताव की सदन की गनीमत कन्ने स्वीकार कर लिता गया। संसद के दोनों सदनों में आज लोकसभा की सुरक्षा च कल हुई दी चूक के मामले लई कार्रवाई से लगातार विघन पैदा रहा। किसे विरोधियों ने इस मुद्दे पर कई बारी हंगामा किया, कार्रवाई च कई बारी अड़चन पाने ना बाद लोकसभा ते राज्यसभा दोनों सदनों की दिन भर लई स्थगित करी दिता गया। लोकसभा की सुरक्षा च चूक के मुद्दे की लिए गृह मंत्री अमित शाह उनके बयान की मंग करार दे विरोधी रड़े दे रोगी दिखते हुए संसदीय मामले के मंत्री प्रहलाद जोशी और सांसद की मुतिल करने के लिए दो मौके पर प्रस्ताव पेश किए। इस चाली राज्यसभा च भी इस मुद्दे की रही डंडरोली पैदी रही। राज्यसभा 5वीं बारी स्थगित किए जाने के मगरा अज दोपहरी उपरांत जिसले 4 बजे परतिए किठी हुई तो विरोधी दल के सदस्य अपना विरोध जारी रखिया। चेयरमैन जगदीप धनखड़ होरे तृणमूल कांग्रेस के सांसद डेरेक ओब्रायन की सदन शा बारे जाने लई आख्या, पर उन्हें एदे पर नहीं दरिया। एदे मगरा सदन के नेता पीयूष गोयल होरे एक प्रस्ताव पेश करते हुए ओब्रायन हुंदे आसिया सदन च बड़ा मता खरा आचरण किए जाने की लई यह मामला विशेष अधिकार समिति की SP दिता कमेटी की आख्या है जे उस इस बारे अपनी रिपोर्ट 3 महीने के अंदर स्पीक देन। सरकार ने अज आख्या जे लोकसभा सुरक्षा च चूक के मामले की एक उच्च स्तर की जांच के हुक्म दे दिए गए हैं ते विपक्षी दलें की हुण इस मुद्दे की रियासी रंग नहीं देना चाहिए। अज दोपहरी सदन की कार्रवाई शुरू होते ही जारी किए बयान च संसदीय मामले के मंत्री प्रहलाद जोशी और आख्या जे अस सारे ये गल मने है कि कल हुई दी घटना बड़ी संजीदा है ते मन बागे वाली है ते जेड़ी सांसद की हिफाजत ते सुरक्षा करने जुड़ी दी है। इसमें बहुत ही संवेदनशील है, इसलिए मैं निवेदन करता हूं कि कृपया कार्रवाई आगे बढ़ाने के लिए हमको मैं उन लोगों से अपेक्षा करता हूं कार्रवाई आगे बढ़ाने के लिए सब लोग बहुत चर्चा में भाग लेने के लिए भी बैठे हुए हैं। बहुत महत्वपूर्ण बिल है ये, विनंती करते हुए। हाउवर सर, मैं एक और चीज
केंद्रीय गृह मंत्रालय ने लोकसभा सचिवालय के अनुरोध उपर संसद की सुरक्षा से चूक के मामले की जांच के हुक्म जारी करी दिते ने। मंत्रालय के प्रवक्ता का आखना है सीआरपीएफ के महानिदेशक दयाल सिंह की अगुवाई एक जांच कमेटी कायम की गई है। यह कमेटी सुरक्षा से होई दी चूक के कारने का पता लाग ते इहदे पर अगे की कार्रवाई की सिफारशा जारी करो। इहदे तहत कमेटी अपनी सिफारिश सुझाव ते संसद की सुरक्षा से बेहतरी लई किते जाने वाले उपा बारे अपनी रिपोर्ट दर्ज कराग। तो वहीं लोकसभा च सुरक्षा चूक के कलाले मामले च 8 सुरक्षाकर्मियों की मुअत्तल करी दिता गया है। लोकसभा सचिवालय आसिया कार्रवाई की गई है। केंद्र सरकार ने आख्या जे चलार दे माली दे पिछले महीने मगर फास्टैग दे राय राष्ट्रीय राजमार्ग पर टोल फीस दे रूप च 36,000 करोड़ थमां मती रकम किठी की गई। सड़क परिवहन ते राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी और लोकसभा च एक लिखित जवाब च आख्या जे मौजूद समय च 98.9% टोल फीस फास्टैग राय किठी की गई है। इन्हें आख्या जे 60 किलोमीटर की दूरी के अंदर टोल प्लाजा पर टोल की माफ़ी का कोई प्रावधान नहीं है। जिन्हें गड्डिया च फास्टैग नहीं लगे है या फ्री फास्टैग कम नहीं करा करता है उन्हें की टोल फीस 2 गुना बद देनी पौग। केंद्रीय मंत्री और आख्या जे मुल्क च राष्ट्रीय राजमार्ग की कुल लंबाई 1,46,000 किलोमीटर है। जम्मू प्रांत के दूर दरेड़े पहाड़ी इलाके रौने वाले लोगों की स्याले वाले दिन च आराम पुजाने के मकसद कन्ने हैलीकाप्टर सेवा इन इलाके लिए परतिए शुरू की जा करती है। डिवीजनल कमिश्नर रमेश कुमार और रजौरी पुंछ डोडा किश्तवाड़ जिले के डिप्टी कमिश्नर से होरने संबंधित पंकड़े की यह सांझी बैठक कल जम्मू के लुआई है। इस संबंध में तैयारियों का जायजा लिया है। इस बारे एक महत्वपूर्ण गई पुट्टी हुई सैलसफा महकमे के संयुक्त निदेशक और नोडल अफसर बनाया है। दर्जा सेवा प्रदाता ग्लोबल वैक्टर हैलीकाप्टर कन्ने तालमेल बनाइए इस सेवा का अर्थव्यवस्था वाले ढंगे सिर चला। ये कन्ने उन्हें TRC जम्मू च एक काउंटर स्थापित करने के लिए भी आख्या है। तो ये टिकट बुकिंग करने च कोई परेशानी नहीं आई है। इस हैलीकाप्टर सेवा लिए किराए का 75% गृह मंत्रालय आसा दिता जाता है। DD न्यूज कन्ने गलबात करते हुए नागरिक उड्डयन महकमे दिया अतिरिक्त सचिव विदुषी कपूर और इस पहलकदमी बारे और मती जानकारी दी। जम्मू रजौरी पुंज देन वी हैव जम्मू डोडा और किश्तवाड़ के लिए। अब इसमें यह है कि वही एलिजिबल होंगे जो कॉमन पैसेंजर्स आ गए और जो नीडी लोग होंगे लोकल रेजिडेंट्स ऑफ द UTJNK के। और इसमें हम लोग VIP ऑफिसर्स या टूरिस्ट या ऑफिशियल ऑन टूर जो होंगे वो एलिजिबल नहीं होंगे इसके लिए। सेहत ते मेडिकल शिक्षा महकमे के सचिव भूपेंद्र कुमार और एक बैठक लवाई। जम्मू कश्मीर च प्रधानमंत्री जन औषधि केंद्र च कामकाज का जायजा लिया। उन्हें आख्या जे इहदे मकसद सस्ते बाएं लोगों की म्यारी ते सुरक्षित दवा उपलब्ध कराना है। उन्हें डॉक्टर की आख्या जे वो आम आदमी के फायदे लिए पर्चिए पर दवाइयों के जनरिक ना भी लिखन। सचिव और 24 घंटे जन औषधि केंद्र की खुला रखने दे इन्हें केंद्र पर सभी दवाइया उपलब्ध कराने के भी निर्देश जारी किए। मुख्य सचिव अटल डुल्लू और रास्ती इमारतें की सभी रखने किए जा रहे उपायों की जानकारी हासिल करते हुए ये तकनीकी महारतों का इस्तेमाल करने आख्या। जम्मू च कल लगी थी एक बैठक दौरान मुख्य सचिव और सैलसफा के विरासती महकमे की आख्या जे वो इस विरसे की सामभिए रखने तजुर्बेदार माहिरे की सलाह हासिल कर। इस मौके पर उन्हें मुबारक मंडी विरासत परिसर के संरक्षण किए जा रहे कमें की प्रगति की जानकारी हासिल की। इलावा उन्हें एक स्कीम तहत 35 विरासती थारे की नवी जान लई जम्मू कश्मीर दी बख बख विरासती इमारतें उपर किते जा करदे कामकाज बारे भी पुछया पछाया। सरकार ने महिलाएं दी सुरक्षा पक्की करने दे कन्ने कन्ने बराबरी दे अवसर ते उंदे कल्याण लई कई पहल कीतियां ने। नवी दिल्ली च अज मीडिया कर्मियों कन्ने गलबात करदे होए केंद्रीय सेहत मंत्री मनसुख मांडविया और आख्या जे नरेंद्र मोदी सरकार ने मुल्क च बेहतर लिंग अनुमात बनाए रखने दे कन्ने कन्ने महिलाएं दी आजीविका ते उंदी तरक्की लई कई कदम चुके ने। केंद्रीय मंत्री ने लोकसभा ते राज्य विधानसभाएं च महिलाएं की 33% आरक्षण करने सरकार दी कई और पहले पर भी लो पाई। मनसुख मांडविया और महिलाएं की रोजगार दुआने दे सरकार उपाय बारे भी गलबात की थी। महिलाएं हैं, महिलाओं का सशक्तिकरण के लिए मोदी गवर्नमेंट ने जो काम किया है उसका लाभ लेके हमारे देश की महिला आज सशक्त और संबल हो रही है। अंतरराष्ट्रीय मंच से सोने का तमगा हासिल करने वाली डांसर से जम्मू कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश के दूर दराज किश्तवाड़ जिले की 5वीं की छात्रा तविशी आनंद ने विकसित भारत संकल्प यात्रा के महत्व पर जोर दिता है। जे राष्ट्रव्यापी मुहिम मुल्क
सकारात्मक बदलाव की बदा कर दी है। रविशि सबने इस यात्रा च शामिल होने के 2047 तक भारत के विकसित राष्ट्र बनाने च योगदान देने लिए प्रोत्साहित करा कर दिया ने। उपयुक्त सचिव राज वक्त और विज्ञान के साथ उपयुक्त सचिव राजीव वर्मा बनाना है, एक नया कदम उठाना है। केंद्र सरकार की विकसित भारत संकल्प यात्रा का अब जम्मू कश्मीर में भी जोरदार स्वागत हो रहा है, जिसके जरिए लोगों को केंद्र सरकार की योजनाओं के बारे में बताया जा रहा है। इस यात्रा के तहत सूचना, शिक्षा और संचार वैन के जरिए सभी ग्राम पंचायतों तक पहुंचाने का लक्ष्य है। इस यात्रा का मकसद 2047 तक विकसित भारत की पूरी आबादी तक केंद्र सरकार की योजनाओं का लाभ पहुंचाना है। तो चलिए आइए हम सब साथ में इस विकसित भारत संकल्प यात्रा का हिस्सा बने। जय हिंद, जय भारत। आयुक्त सचिव संजीव वर्मा और आज उधमपुर की जिब्बी पंचायत आयोजित विकसित भारत संकल्प यात्रा के कार्यक्रम में शामिल मती गिनती लोग के इस कार्यक्रम च हिस्सा लेता है। आईईसी वैन राय प्रसारित किए गए प्रधानमंत्री उनके संदेश की सुनिया, लोगों के मौके बख बख महकमे आसिया लाए दे स्टाले दा ला भी चुकिया। कार्यक्रम दौरान सबने विकसित भारत की सुगंध भी चुकी, जेदे प्रांत समाज कल्याण महकमे ने लाभार्थी बच्चियों की साइकिल बंडे। सभी उम्मीद से जुड़े और अच्छा फायदा लें, तो धन्यवाद करते हम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का। हमारे प्रधानमंत्री जी ने जो अपना संदेश दिया और उसको सबने सुना, राष्ट्रीय गान हुआ, फिर जो लाभार्थी हैं बेनिफिशियरी स्कीम्स को उन्होंने अपना अपना एक्सपीरियंस दिया कि कैसे उनको अलग अलग स्कीम्स का, जो सरकार की स्कीम्स हैं उनसे मुस्तफीद होने का उनको फ़ायदा मिला और कैसे उनकी ज़िंदगी में किसी न किसी तरीके से बदलाव आया। विकसित भारत संकल्प यात्रा रियासी जिले के गरन ग्रां च पुजी, जिथे ग्रामीण ने पंचायत सदस्य ते सरकारी अधिकारियों एदा स्वागत किया। गरन ग्रां च पुजने पर आईईसी वैन के जरिए मकामी लोगों की कई सरकारी स्कीमें बारे जागरूक किया गया। ये मगरा मकामी लोगों की प्रधानमंत्री उनका वीडियो सुनेहा भी दसया गया। ये मगरा मकामी लोगों मेरी कहानी मेरी जुबानी तहत अपने तजुर्बे भी सांझे किए। मैं पहले 200 रुपया पेंशन होंगी ही, अजकल हूँ मैं 1500 रुपया थोआ जी, और मैं गैस चूल्हा भी थोया, मैं बड़े फायदे थोए गवर्नमेंट वाला, राशन भी फ्री मिला था, अरे हाली थोड़ी राशन भी फ्री मिला था। असें पहले कच्चे मकान दे, बच्चे भी डरते रहे, टीना उड़ जाती नहीं, कच्चे मकान कंधा गिरी जाती है जी, और असें पक्के मकान सरकार ने मदद की, पैसा दिता था, असें पक्के मकान बना। विकसित भारत संकल्प यात्रा सांबा जिले की 96 पंचायतों का दौरा पूरा कर लेता है। यात्रा अज पंचायत दबूज शाहदा ब्लाक विजयपुर पुजी, उत्थुआ के लोगों के पंचायती राज संस्थानें आसिया यात्रा का गर्मजोशी करने स्वागत किया गया। आईईसी वैन के पुजने पर सांस्कृतिक प्रोग्राम का आयोजन किया गया, जिदे स्कूली बच्चे धरती प्रकार के दी थीम उपर प्रोग्राम पेश किए। ये मगरा मकामी लोगों मेरी कहानी मेरी जुबानी तहत अपने तजुर्बे भी सांझे किए। आयुष्मान कार्ड असें लिए गए, जिदे विच ऑपरेशन का कोई खर्चा नहीं होया, बिल्कुल मुफ्त होया सारा। इस आयुष्मान योजना का हमने बहुत अच्छा फायदा लिया है। विकसित भारत संकल्प यात्रा आज सांबा जिले की 96 पंचायतों को कवर कर चुकी है और इस मौके पर कई लोग इसका लाभ ले रहे हैं। दूरदर्शन समाचार के लिए सांबा से मैं सतपाल शर्मा। विकसित भारत संकल्प यात्रा किश्तवाड़ जिले च पुजी, जिथे ग्रामीण ने पंचायतें सदस्य ते सरकारी अधिकारियों एदा स्वागत किया। इस मौके उपर किश्तवाड़ के नगर पालिका के सीईओ ननिंद सेन, डीआईओ किश्तवाड़ ते सूचना ते प्रसारण मंत्रालय के जिलो नोडल अधिकारी खुर्शीद यूसुफ भी मौजूद है। इस मौके पर किश्तवाड़ के बस अड्डे के चुगान मैदान उपर कई कार्यक्रम लवाए गए। इस मौके पर मौजूद लोगों की संकल्प चुकाई गई ते स्कीमें बारे जानकारी वाली लिखित समग्री बड़ी वड्डी गई। बड़ी बदगिनती च लोग इन कार्यक्रम च शामिल होए। ये मगरा मकामी लोगों मेरी कहानी मेरी जुबानी तहत अपने तजुर्बे भी सांझे किए। एक महिला उगमी ललिता देवी और उधमपुर जिले के रामनगर ब्लाक की सुनेत्र पंचायत आटा चक्की लाइए मकामी लोगों की मती राहत पुजाई है। उन्हें एक प्रधानमंत्री लोगों अन्नदान प्रसंस्करण उद्यम स्थापित
किते जाने संबंधी स्कीम के तहत शुरू किया है। मकामी नागरिकों की पहल अपनी मक ते और दुए दाने बयान लई लंबा पैदा तय करना पौंदा हा, पर हुण उन्हेंगी ग्रां दे अंदर ही सहूलत हो गई है। ललिता देवी और यह मौका देने लई प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ते राई बाई महकमे का आभार जताया है कि जे इहदे कन्ने ओ ना छड़ा माली तौर पर खुद मुख्तियार बनी गई ने, संगुआ अपने समुदाय की भी फायदा पजा कर दिया ने। मौसम विभाग की सूचना मुजब पिछले 24 घंटे दौरान जम्मू का बदोबद तापमान 20.1 डिग्री सैलसीयस घट्टो घट 6.7 डिग्री सैलसीयस रिकॉर्ड किया गया। उस खबरें का यह बुलेटिन साढ़े यूट्यूब चैनल www.youtube.com पर भी देख सकते हो।